कोपन। आखिरकार 2093 में पेगुल नाम की प्लेनेटरी शिप सभी ग्रहों की रखवाली के लिए स्पेस में भेजी गई है। हमारा सोलर सिस्टम छोड़कर ये शिप अनंत की खोज भी करेगी। अब तुम देखना, इसके बाद तो और भी मजा आने वाला है। यहाँ पर एलियन और इंसान पहली बार मिलेंगे। पृथ्वी जैसा प्लेनेट खोजा गया है, यहाँ एक आंख वाले लाल प्राणी रहते हैं। क्या तुम्हारे पास इससे ज्यादा मजेदार बुक नहीं है? क्या तुम्हें पता है नोबिता स्पेस पायनियर्स 22nd सेंचुरी की सबसे बड़ी हिट थी। क्या ये मजेदार नहीं है? इसका क्या होगा? अच्छा, ये वाली कैसी रहेगी? ये मजेदार और एजुकेशनल दोनों है। पीरियड में हमारे देश में एक यमाटाई किंगडम हुआ करता था। उसमें क्यूशू और क्योटो नाम के दो प्रांत थे। वहाँ के लोग बड़े ही गोपनीय तरीके से रहते थे। जब 2008 में टाइम मशीन का आविष्कार हुआ तो सब बातें साफ हो गईं। और पता है जल्द ही उसके बाद तुम्हारी इसी बात पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। तुम कितने आलसी हो। क्या ये खत्म हो गई? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो सो रहे थे ना नोबिता। मैंने इतनी मेहनत से इतनी रेयर बुक्स को इकट्ठा करने में अपने सारे फ्यूचर बुक कूपन इस्तेमाल कर डाले। क्या फ्यूचर बुक कूपन? मैंने सोचा तुम्हें होमवर्क नहीं करना, तो चलो मूवी ही देख लेते हैं, लेकिन तुम कभी नहीं सुधरोगे। आई एम सॉरी डोरेमोन, बात ये है कि मुझे इस तरह के सब्जेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, सॉरी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम आराम से सो सकते हो या जो कुछ भी करना चाहो तो कर सकते हो। तुम्हें किसी की मेहनत की कदर ही नहीं है। ये मजा आ गया। ऐसे सोने की बात बोलने के बाद तो मैं बिल्कुल भी नहीं सो सकता। एक बुक पढ़ना ठीक रहेगा। एक बुक? अगर मुझे कोई बुक ही पढ़नी है तो कॉमिक बुक पढ़ना ठीक रहेगा। कौन सी पढूं? मेरे पास जितनी भी कॉमिक्स है मैं उन्हें कई बार पढ़ चुका हूँ। आइडिया, मैं सुनियो के पास से एक नई कॉमिक बुक लेकर आता हूँ। जियान तुम देखना, इसमें बहुत सारे डेंजर एक्शन है, बहुत ही मजेदार है। हाँ, सच में ये बहुत मजेदार है। मगर हमारे प्यारे स्पेस वॉचमैन बायरन का, जिसका हमें हर महीने इंतजार रहता है, वो खत्म होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है जियान कोई नई सीरीज शुरू होने वाली है। सच में मुझे उसका इंतजार रहेगा। सुनियो, तुम दोनों क्या देख रहे थे? क्या ये? अरे ये फुनियाकू फुनियों के स्पेस वर्ड्समैन बायरन का आखिरी चैप्टर है, समझे? क्या आखिरी चैप्टर? लेकिन ये तो अप्रैल के इशू में आने वाला था। अभी तो मार्च इशू वाली हरा हरा कॉमिक्स ही आई है ना सुनियो? जरा इधर देखो नोबिता, मेरे पास स्पेशल एडिशन है जो कि अप्रैल महीने का गैली प्रूफ इशू है। क्यों, कैसा लगा तुम्हें? वो क्या होता है? जैसे ही कहानी तैयार हो जाती है तो उसकी छपाई के लिए प्लेट तैयार की जाती है, समझे? और इसके लिए एक ट्रायल प्रिंट निकाला जाता है। ये वही कॉमिक बुक है, तुम्हें पता है मुझे ये कहाँ से मिली? मुझे पता है, तुम्हारे डैड के दोस्त एक प्रिंटिंग कंपनी के मालिक है, इसलिए उन्होंने ही ये बुक तुम्हें लाकर दी होगी, क्यों है ना? ये तुम्हें कैसे पता चला नोबिता? तुम तो बहुत समझदार हो गए हो। तो फिर इससे मुझे भी पढ़ने दो सुनियो। हाँ ठीक है, मगर मैंने इरादा बदल दिया है। मुझे नहीं लगता कि तुम गैली प्रूफ पढ़ने के लायक हो, समझे तुम नोबिता? अगले महीने हरा हरा कॉमिक्स निकलेंगे, तब तुम पढ़ लेना। मैं जानता था कि तुम ऐसा ही कुछ कहोगे सुनियो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं स्पेस वॉचमैन बायरन का आखिरी चैप्टर पढ़ना चाहता हूँ। आइडिया? मिल गया, इसकी मदद से मेरा काम आसान हो जाएगा। इस फ्यूचर बुक कूपन की मदद से मैं हरा हरा कॉमिक्स का अप्रैल इशू पढ़ सकता हूँ। मुझे जो बुक चाहिए वो है हरा हरा कॉमिक्स का अप्रैल इशू। हाँ, अब मैं इसमें अपना पूरा पता लिख देता हूँ। अब इसे मेल बॉक्स में डाल देता हूँ। काम हो गया, अब जल्दी ही ये कॉमिक मेरे पास आ जाएगी। ये इतनी जल्दी आ गई?
बहुत इंटरेस्टिंग है। कार्टूनिस्ट फनियाको की कॉमिक्स भी इंटरेस्टिंग होती हैं। उसका आखिरी चैप्टर भी धमाकेदार होगा। मैं इस सीरीज के अगले इशू के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे वो अभी चाहिए, अभी चाहिए। मुझे वो चाहिए, मुझे वो पढ़नी है, अभी पढ़नी है। मैं उस कॉमिक को अभी ले आऊंगा इस फ्यूचर बुक कूपन की मदद से। हाँ, मुझे चाहिए हरा हरा कॉमिक का अगला इशू। अरे भाई, ये आ गया, मजा आ गया। वाओ, ये कमाल का है, मैं बहुत खुश हूँ। हरा हरा कॉमिक्स का नया इशू। इसे स्पेस टाइम पेट्रोल 7 कहते हैं। हाँ, इसका पहला चैप्टर ही इतना मजेदार है। फुनियाको कॉमिक्स अच्छी होती है। मुझे दूसरे लोगों से पहले ये कॉमिक्स पढ़ने को मिल गई है। आज मैं बहुत खुश हूँ। शायद राइटर ने इसे अभी तक लिखा ही नहीं होगा। इसे देखकर सुनियो और बाकी लोग मुझसे जलने लगेंगे। एक मिनट, सिर्फ दिखाने में मजा नहीं आएगा, मैं इसे ज्यादा मजेदार कैसे बना सकता हूँ। समझ गया। अब मैं इसकी एक कॉपी बनाऊंगा और सबको बताऊंगा कि ये मैंने लिखी है। जब जियाना सुनियो इसे देखेंगे तो बुरी तरह से चौंक जाएंगे। अरे नोबिता, क्या तुमने सच में कॉमिक बुक बनाई? तुम ऐसा कुछ भी ड्रॉ ही नहीं कर सकते हो, समझे नोबिता? प्लीज ऐसा मत कहो, इसे पढ़ो तो सही। सच में ये बहुत मजेदार है जियान। हमारे पास फालतू टाइम नहीं है। हाँ, जियान ने बिल्कुल ठीक कहा। अरे रुको जियान, मैं सच कह रहा हूँ, ये कॉमिक बहुत मजेदार है। अरे अब हमें जाने भी दो नोबिता। स्पेस टाइम पेट्रोल 7, अरे ये तो एक शानदार टाइटल है। क्या बात है जियान। क्यों, ये मजेदार है ना? ये मजेदार है, मजेदार है। ये सच में कमाल की है। इसे बनाना तो काफी मुश्किल काम होगा। घर में कोई है? हाँ, क्या कार्टूनिस्ट? देखिए, यहाँ पर मैं नोबिता से मिलने आया हूँ, क्या वो घर पर हैं? आप नोबिता से मिलना चाहते हैं, वो तो अपने कमरे में है। ठीक है, मैं वहीं पर चला जाता हूँ। अरे ये नोबिता एक कार्टूनिस्ट कब से बन गया? हाँ, क्या आप डोकी डोकी कॉमिक के एडिटर हो? जी हाँ, आपने सही सुना। देखिए, मैंने आपकी बुक देखी है, उससे मैं काफी इम्प्रेस हुआ, इसीलिए एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ। वो स्पेस टाइम पेट्रोल के बारे में है। क्या आप ये सीरीज मुझे डॉकी डॉकी कॉमिक में छापने की इजाजत दे सकते हो? हाँ, क्या? देखिए सर, मैं आपसे बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मुझे सर मत कहो। हाँ, ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपको ड्राइंग की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम एक अच्छे कार्टूनिस्ट से ड्रॉ करवा लेंगे। आप ही इस कॉमिक के असली राइटर रहेंगे। हाँ, लेकिन ये कहानी असल में तो... ये तो एक महान कॉमिक है, मुझे पता है ये बहुत ही पॉपुलर होगी। तुम बहुत छोटे हो मगर टैलेंटेड हो। हम अगले महीने के इशू से ही इसको शुरू कर देंगे, ठीक है? लेकिन वो... चिंता मत करो, इस महीने के लिए मैं इसे ले जा रहा हूँ, अगले महीने की कॉपी के लिए मैं फिर से आ जाऊँगा। तैयार रखना, ठीक है? अब मैं क्या करूँ? नोबिता सर, मैं आप पर भरोसा कर रहा हूँ। हाँ, ये कौन था? हाँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लेकिन वो पीछे ही बढ़ गया, इसलिए मैं उसे मना नहीं कर पाया डोरेमोन। हाँ, क्या कहा? लेकिन तुम अगले महीने के चैप्टर का क्या करोगे? तुम्हें पता है ना, वो तुम्हें ही लिखना पड़ेगा और तुम ये नहीं कर पाओगे, मुझे पता है नोबिता। उसकी चिंता मत करो। देखो, इस फ्यूचर बुक कूपन की मदद से मुझे नई हरा हरा कॉमिक्स मिलती रहेंगी डोरेमोन। अच्छा, ये बात है। अगर तुम्हें लगता है कि ये इतना आसान है तो चलो जून इशू को ऑर्डर करो। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो डोरेमोन? मैं अभी ऑर्डर करता हूँ हरा हरा कॉमिक का जून इशू। देखा, ये इतनी जल्दी आ गई डोरेमोन। अब जरा इसके अंदर देखो,
अच्छा तो तुम ये चाहते हो कि मैं स्पेस टाइम पेट्रोल 7 का अगला इश्यू पढूं डोरेमोन? मैं तो चाहता था कि मैं इसे बाद में आराम से बैठकर पढूं, लेकिन तुम यही चाहते हो तो अरे वो तो इसमें नहीं है, स्पेस टाइम पेट्रोल इसमें नहीं है डोरेमोन। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारी बुक्स पहले पब्लिश हुई और मिस्टर फुन्याको की बाद में। इसका मतलब ये नहीं हो सकता। लेकिन तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? अगर मिस्टर फुन्याको ने ठीक यही चीज लिखी तो वो चीटिंग कहलाएगी, मतलब आगे ये पब्लिश नहीं होगा। अरे नहीं, अब मैं क्या करूँगा? प्लीज कुछ करो डोरेमोन। लेकिन अब तो कुछ भी किया नहीं जा सकता। देखो नोबिता, हमें वो कॉमिक्स वापस लानी होंगी जो तुमने जियान और सुनियो को दिखाई थी। जब जियाना सुनियो इसे देखेंगे तो बुरी तरह से चौंक जाएंगे। डोरेमोन, क्या अब इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा? इसे फेंक देता हूँ। ये तो कॉमिक है। अरे वाह, रुक जाओ, तुम्हारी कॉमिक यहाँ गिर गई है, इसे ले जाओ। रुक जाओ बच्चों, इधर देखो। क्या कहा आप? मिस्टर फुन्याको फुनियो है। प्लीज मेरी बात मान जाओ, मुझे अपनी नई सीरीज के लिए आइडिया चाहिए था और वो मिल नहीं रहा था। प्लीज मुझे ये वाली कहानी ड्रॉ करने दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरी बात मान जाओ। मगर बात ये है कि इसके राइटर आप ही हैं, ये कहानी आपने ही लिखी है। देखो मुझे बहकाओ मत, कैसी बातें कर रहे हो? प्लीज बस मुझे ये ड्रॉ करने दो, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। प्लीज तुम सच में बहुत अच्छे हो। अरे अब मैं क्या करूँ? प्लीज मुझे एक बार ये करने दो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। क्या मैं इसका राइटर बन सकता हूँ? प्लीज मान जाओ, मुझे इसकी जरूरत है। लेकिन प्लीज मान जाओ ना। ये मामला तो पूरा उल्टा ही पड़ गया। एबिलिटी कॉपिंग ग्लव्स। डोरेमोन, पता है डोरेमोन, मैं कल के बेसबॉल गेम में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। पूरे प्लेयर नहीं है इसलिए उन्होंने मुझे खेलने के लिए कहा है। अच्छी बात है ना? डोरेमोन, एक ऐसा गैजेट जिससे होम रन्स मारे जा सके, तुम्हें वही चाहिए ना नोबिता? बोलो। ऐसी बात नहीं है, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? वैसे तुम्हारे पास कौन सा गैजेट है? मेरे पास ऐसा कोई भी गैजेट नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सके। मगर तुम हमेशा गैजेट्स की मदद लेते रहते हो नोबिता, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अब तुम्हें सुधर जाना चाहिए, समझे तुम? रुको डोरेमोन, ये सब करने की एक वजह है। क्या? अगर कल मैं अच्छा नहीं खेला तो वो मुझे दोबारा कभी नहीं खेलने देंगे डोरेमोन, प्लीज तुम मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मतलब मुझे दोबारा कभी बेसबॉल खेलने की जरूरत नहीं है? हाँ नोबिता, ऐसा ही समझ लो। प्लीज इस बार मेरी मदद कर दो। तुम हमेशा ऐसा ही कहते हो नोबिता, पर इस बार नहीं। हाँ ये ठीक रहेगा, मैं तुम्हें एक डोरा केक ला कर दूंगा। क्या, एक डोरा केक? अच्छा ठीक है, दो दे दूंगा। दो? ठीक है, तीन ले लेना। क्या, तीन डोरा केक्स? अब मैं नहीं रुक सकता नोबिता। एबिलिटी कॉपिंग ग्लव्स। ये कैसे काम करेगा? इन्हें पहनने के बाद अगर तुम किसी से हैंडशेक करोगे तो उनकी सारी एबिलिटीज तुम्हारे में भी आ जाएंगी नोबिता, तुम मेरी बात समझ गए ना? तो अगर मैंने एडिसन से हाथ मिला लिया तो मैं उनकी तरह इन्वेंटर बन जाऊंगा? हाँ ये इसी तरह काम करता है, पर अगर तुमने किसी और से भी हाथ मिलाया तो उसकी एबिलिटीज भी तुम्हारे अंदर आ जाएंगी, समझे? हाँ मैं ध्यान रखूंगा। ये गायब हो गए। ये क्या हो रहा है? अगर ये नजर नहीं आएंगे तो कोई भी तुमसे हाथ मिलाने में अजीब सा फील नहीं करेगा। ठीक है मैं समझ गया, तो अब मैं किससे हाथ मिलाऊं डोरेमोन? जो आदमी सबसे ज्यादा होम रन मारता है वो है। हाँ मुझे एक प्लेयर पता है नोबिता। सच में, कौन है वो? हाँ वो है, हाँ नाम्बू जैगी और उसका कायोटा। हाँ अगर तुम्हें होम रन
तुम्हें सिर्फ उनसे हाथ मिलाना होगा और फिर तुम उनके जैसे अच्छे प्लेयर बन जाओगे, समझे? डोरेमोन ने तो आसानी से बोल दिया, मगर क्या मैं सच में उससे हाथ मिला पाऊंगा? अरे ये तो अच्छा, तो ये है कायोटा। थैंक यू सो मच। हेलो मिस्टर कायोटा। हेलो। मैंने कर दिखाया, ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। ये नोबिता, डिनर का टाइम हो गया, अपने हाथ धो आओ बेटा। हाँ, अगर मैंने इन्हें वॉश किया तो हो सकता है कि मेरी पावर चली जाए। अरे वाह, आज तो डिनर में से अच्छी खुशबू आ रही है। आज का डिनर तो बहुत टेस्टी है मॉम। आराम से खाओ, बहुत है। हाँ, कल मैं एक होम रन बनाऊंगा। क्या ये कल काम करेगा? डोरेमोन के गैजेट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन ये काम करेगा नोबिता। आउट। हाँ? नोबिता, जानते हो ना क्या करना है? बॉल को कैसे भी करके हिट कर देना, वरना कभी बेसबॉल नहीं खेल पाओगे। नोबिता, सबके होश उड़ा देना। हाँ, अच्छे से खेलना। वो आखिर कर क्या रहा है? लगता है ये उधर की तरफ ही होम रन मारेगा। तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो नोबिता। मुझे बचा लेना। रेडी? ओके। अरे ये कायोटा की एक्टिंग क्यों कर रहा है? नोबिता, जरा बॉल को देख कर हिट करना। ये बात है, ये लो। मैंने कर दिखाया एक होम रन। ये कैसे हुआ? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। शिजुका, क्या तुमने मेरा शॉट देखा? नोबिता, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुम बहुत अच्छे हो डोरेमोन। अरे तुम्हें हुआ क्या नोबिता? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये मेरा जादू था जियान। नोबिता, तुमने आखिर कर दिखाया। ये अरे ये मैंने क्या किया? स्ट्राइक, बैट्समैन आउट। क्या हुआ? अब तुम्हारा जादू कहाँ चला गया नोबिता? मुझे तो पहले ही पता था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सुनियो। नोबिता, इसे क्या हुआ? मैं नहीं जानता था डोरेमोन की एक होम रन बनाने में इतना मजा आता है। अगर सुनियो ने, अरे छोड़ो ना, वैसे तुम गेम तो जीत गए ना। वो तो है। वैसे क्या मैं इसे कल तक के लिए रख सकता हूँ? क्या नहीं, वैसे भी तुम इस गैजेट के साथ कोई ना कोई गड़बड़ी करने वाले हो, इसलिए मैं नहीं दूंगा। ऐसा मत कहो, सिर्फ एक दिन के लिए डोरेमोन। प्लीज मान जाओ ना, तुमने 3 डोरा केक्स भी तो खाए है। ये बात बोलनी जरूरी थी क्या? अच्छा ठीक है, कल के लिए रख लो, लेकिन कोई शरारत मत करना, ठीक है? हाँ, ये तो मुझे पता है। इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व करेगा? नोबिता? यस सर। आओ देखे तुम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। क्या अभी नोबिता कोई जादू करेगा? अरे जियान, मुझे तो उस बात पर अभी तक यकीन नहीं हो रहा। देखो, जहाँ इच्छा होती है वही राह मिलती है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए। आओ सॉल्व करने की कोशिश करो, आ जाओ। यस सर। गुड लक नोबिता। आइडिया। यस सर, मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। समझ गया, ये ऐसे और ये ऐसे। देखिए सर, हो गया। ये तो सही है। ये नहीं हो सकता। लेकिन ये इसने किया कैसे? ओ नोबिता, लाल 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 ला। सभी लोग चौंक गए थे, आज तो मैंने कमाल कर दिया। इसकी मदद से शिजुका जरूर मुझे एक नए रूप में देखेगी। नोबिता। अरे क्या बात है जियान? नोबिता, तुम अचानक इतने बदल कैसे गए? तुम तो सच में बिल्कुल अलग हो। तुम स्पोर्ट्स और स्टडीज दोनों में अच्छे हो, मैं तुमसे काफी इम्प्रेस हुआ हूँ। क्या?
देखो नोबिता, हम अभी सॉकर खेलने वाले हैं और हमें एक नए प्लेयर की जरूरत है। तो चलो नोबिता, हम लोग साथ में खेलते हैं। क्या कहा सॉकर? तो ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बाय। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो नोबिता? मैं तो बस किसी सॉकर प्लेयर से हाथ मिलाने जा रहा हूँ। लेकिन हमारे पास उसके लिए टाइम नहीं है और गेम अभी शुरू ही होने वाली है। ये तो प्रॉब्लम हो गई। अब मुझे क्या करना चाहिए? हम इंतजार करेंगे, तुम जल्दी आना। अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारी खैर नहीं। जी हाँ, सुनियो, रुको, ये तो बहुत बुरा हुआ, अब मैं क्या करूं? आइडिया। ये डॉग बहुत तेज दौड़ता है। नोबिता, तुम कहाँ हो? ये नोबिता भी पता नहीं कहाँ चला जाता है। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? वो जरूर मेरे ग्लव्स के साथ कोई शरारत कर रहा होगा। मुझे उसे ढूंढना होगा। अरे कोई तो रोको इसे। अरे नोबिता, मैं वहाँ जा रहा हूँ। रुक जाओ, रुक जाओ, येलो कार्ड मिल जाएगा। तुम्हारा मतलब? हाँ बिल्कुल, वो खिड़की करीब इतनी खुली हुई थी। हाँ इतनी ही खुली थी। और उसके बाद वहाँ से कोई अंदर आ गया। और जो कॉमिक बुक डेस्क पर थी उसका क्या? वो कॉमिक बुक तो पानी में गिरकर भीग गई थी। क्या भीग गई थी? इसका मतलब क्या है नोबिता? पता नहीं। क्या तुम्हें किसी पे शक है? नहीं, मुझको तो नहीं है, पर ऐसा काम मगर कोई कर सकता है तो वो है। नहीं नहीं, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। पर डोरेमोन, ये काम तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं कर सकता। शायद ये काम तुम्हारे किसी गैजेट से हुआ हो। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। पर हमें वहाँ पर ढूंढने पर भी कोई सुराग नहीं मिला। मैंने ये नहीं किया, मैं सचमुच बिल्कुल बेकसूर हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। ओफो, ये सुनियो तो मुझे पागल ही कर देगा। उसके पास कोई सबूत भी नहीं है। मुझे तो इस बात का पूरा यकीन है कि ऊपर वाला सुनियो को सजा दे रहा है। ऊपर वाला सजा दे रहा है? क्या मतलब? ऊपर वाले ने उसे इसलिए सजा दी क्योंकि उसने सभी के अलावा सिर्फ मुझे कॉमिक नहीं दी। सुनियो के साथ ऐसा ही होना चाहिए। पर क्या तुम्हें लगता है कि ऊपर वाला इस तरह से कॉमिक बुक के पेजेस पर थूक लगाएगा? जरा रुको नोबिता। मैं घर आ गया। ओह नोबिता, तुम आ गए। देखो सबसे पहले अपना होमवर्क पूरा कर लेना, ठीक है? ओके। आज का होमवर्क तो सचमुच बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अरे वाह, इसको तो किसी की भी फिक्र नहीं है। क्या तुमने कुछ कहा? नहीं कुछ नहीं। एक आइडिया है डोरेमोन, बाहर एक डोरा केक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या कहा? हाँ क्या बकवास है, बाहर एक डोरा केक मेरा इंतजार कैसे कर सकता है? नोबिता ने कितना मामूली सा झूठ बोला है। हे नोबिता सुनो, मुझे परेशान मत करो। हाँ नोबिता, मुझे आज कुछ बदला बदला लग रहा है। थोड़ा सा रह गया बस। बुखार तो नहीं है? बस बहुत हो चुका। चलो अब कम से कम 10 लीटर खून निकालते हैं। अगर सब कुछ गलत हुआ तो इतनी तेजी से होमवर्क करने का कोई फायदा नहीं होगा। आज का होमवर्क तो सचमुच बहुत आसान है, बस होने वाला है। पूरा हो गया। सारे जवाब बिल्कुल सही हैं। ओ हेलो
नोबिता, मैंने आज केक बनाया है, क्या तुम आओगे? क्या कहा शिजुका, तुमने केक बनाया है? डोरेमोन को भी लिया ना? डोरेमोन को भी बुलाया है। ठीक है, हम अभी वहाँ आएंगे। ओके बाय शिजुका। अब क्या? डोरेमोन, शिजुका के घर में डोरा केक खाने का कॉम्पिटिशन चल रहा है। क्या? मैं चाहता था कि डोरेमोन जल्दी से शिजुका के घर चला जाए। मेरे ख्याल से उस गैजेट का अब घर आने का वक्त हो गया है। वो रहा। अच्छा हुआ जो आ गए। वाह, अब मैं जाऊंगा शिजुका के घर केक खाने के लिए। मजा आएगा। शिजुका, मैं आ रहा हूँ। क्या मतलब यहाँ डोरा केक्स खाने का कोई कंपटीशन नहीं हो रहा? नहीं, मैं माफी चाहती हूँ, पर ये लो, मैंने ये केक बनाया है। इसको मैंने अभी ओवन से निकाला है, बहुत ही फ्रेश है। लो खाकर देखो। ओह, बहुत टेस्टी लगता है। नोबिता कहाँ है? मैंने सोचा था कि वो तुम्हारे साथ आएगा। हाँ, अगर मैं सच कहूँ तो उसका बर्ताव अजीब है। हे जरा सुनो नोबिता। हे जियान। नोबिता, मैं और सुनियो दोनों बेसबॉल खेलने जा रहे हैं। जाओ खेलो। असल में क्या था कि हमें तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए थी। मैं तुम्हारे लिए बॉल पकड़ कर नहीं लाने वाला। नहीं, ये काम उससे भी अच्छा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि जब मैं और सुनियो मैदान में बेसबॉल खेलने जाए तब तुम मेरी दुकान संभालो, ठीक है? समझ गए नोबिता? मुझे शिजुका के घर जाकर केक खाना है। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे जिंदगी में कभी इतना डर नहीं लगा। जब मैं अपना होमवर्क पूरा कर रहा था तब अचानक कहीं से एक आँख और एक मुँह। हाँ शिजुका, मुँह मेरी किताब के पेजेस पलटता रहा और वो आँखें मेरे नोट्स को घूरती रही, इससे मेरे सारे नोट्स भीग गए थे। क्या तुम्हें पता है सुनियो की कॉमिक बुक भी थूक की वजह से भीग गई थी? तब तो ये जरूर उसी का काम होगा। बाप रे, कितनी डरावनी बात है। क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? ओफो, क्या बात है, इस दुकान में एक भी कस्टमर नहीं आ रहा। ये दुकान संभालने की कोई जरूरत नहीं। पर जियान को फिक्र हो रही थी इसलिए मुझे रुकना चाहिए। मुझे यकीन है कि इस वक्त डोरेमोन। नोबिता के लिए भी थोड़ा सा बचा कर रखो डोरेमोन। उसे रहने दो, वैसे भी वो अच्छे खाने की तारीफ नहीं करता, उसे केक देने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी ये हिम्मत, शायद वो भूल गया है कि वो सिर्फ एक रोबोट है। अरे यार, मुझे भी केक खाना है। मुझे इसे फिर से इस्तेमाल करना होगा। जब डोरेमोन बाहर गया हुआ था तब ये फ्यूचर डिपार्टमेंट स्टोर से डिलीवर किया गया था। मैंने इसे चुपके से इस्तेमाल किया और बहुत मजा आया। ये कहीं भी जा सकता है। और इतना ही नहीं, इसके आंख और मुंह बिल्कुल मेरी तरह काम करते हैं। और अब पलक झपकते ही मैं शिजुका के घर पहुँच जाऊंगा। अब जरा शिजुका का कमरा तो देखें। वो रही, केक तो काफी टेस्टी लग रहा है। वाह। अच्छा एक बात बताओ, तो क्या तुम्हें ये लगता है कि ये डोरेमोन का गैजेट होगा? तुमने उसे कोई गैजेट दिया? पर जब मैं बाहर गया था तब मेरी गैर हाजिरी में फ्यूचर डिपार्टमेंट स्टोर से कोई नया गैजेट आया होगा। जब नोबिता आएगा तब उसी से पूछ लेंगे, ठीक है शिजुका? हाँ, पर वो काफी लेट हो गया है ना? समझ नहीं आता नोबिता न जाने कहाँ फंस गया होगा। अरे केक तो, आज तो केक खाने का मजा आ गया। अरे वाह, आवाज तो बिल्कुल नोबिता की है। मुझे पूरा यकीन है कि ये, इसका मतलब ये हुआ कि मैं अभी जाकर चेक करता हूँ। अरे बड़ी अजीब बात है, उसे वो मुंह और आंख का सेट कहाँ से मिल गया?
आइडिया। अब मैं जाकर सभी को चिढ़ाता हूँ। रेडी, तीसरा बेस, सब तैयार है? हाँ, रेडी। हे तुम, जरा ध्यान से। हाँ। अरे। हे बेवकूफ, तुम एक बॉल भी नहीं पकड़ पाए, अभी से ही हार मान गए। लाओ, अब है शॉर्ट स्टॉप, पकड़ लेना, ठीक है? सॉरी। तुम सब लोग तो किसी काम के नहीं हो। क्या तुम में से ऐसा कोई भी नहीं है जिसे बेसबॉल खेलना आता हो? जियान, शांत हो जाओ, इतना गुस्सा मत करो। लाओ, और अब आउटफील्ड तैयार रहो, समझे? बढ़िया कैच, बहुत बढ़िया। हो? अरे भागो, ये तो एक भूत है। डिपार्टमेंट स्टोर का एक डिलीवरी नोट है। ये नोट तभी आया होगा जब मैं घर से बाहर गया हुआ था। गैजेट को मेरी परमिशन के बगैर इस्तेमाल करने के लिए मैं उसे कभी भी माफ नहीं कर सकता। अरे नहीं, अब मैं क्या करूँगा? हे नोबिता, दुकान संभालने का शुक्रिया। अब तुम घर जा सकते हो। वो तुम जानते हो ये क्या है? नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। ओके, फिर मिलेंगे। आखिर नोबिता को हुआ क्या? उसे छोड़ भी दो जियान, जाने भी दो। तुम्हें उस मुंह और आंख से आखिर लेना देना क्या है? क्या ये पूछने की जरूरत है? निकल आ गया। नोबिता, तुम अभी यहाँ आकर बैठ जाओ। ठीक है, पर बात क्या है? सवाल मत पूछो। ये बताओ, क्या तुम मुझसे अपनी नजरें मिला सकते हो? जब मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारा चेहरा बड़ा अजीब सा नजर आता है। मैं चेहरे की बात नहीं कर रहा। अब चलो, मुझे ऑलवेज आईज इन माउथ लौटा दो। ऑलवेज आईज इन माउथ, वो क्या है? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मेरे पास सबूत है, समझे? डोरेमोन, वो डोरा केक कहाँ है? नोबिता ने मुझे दोबारा चकमा दे दिया। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। हम इसे कहते हैं द पेपर अटैक। ये बहुत दीखा है, बहुत दीखा। हे सुनियो, क्या तुम बाकी अटैक्स करने के लिए तैयार हो? हाँ, तुम तैयार हो जाओ। अब पेपर के बाद होता है चिली पेपर अटैक, उसके बाद हॉर्स रेडिश अटैक, द हॉट मस्टर्ड अटैक, फिर अनियन अटैक और लेमन अटैक, और आखिर में सबसे खतरनाक अटैक, एक बड़े चम्मच से पिकल प्लम अटैक। मेरी मदद करो। मैं चाहता तो हूँ, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। ओ चलो भी, प्लीज ऐसा मत करो। जी आनर सुनियो से ऑलवेज आईज एंड माउथ ले लो, वरना वो मेरी हालत खराब कर देगी। ऑलवेज आईज एंड माउथ, वो क्या है? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मुझे माफ कर दो, उन जो गैजेट ले लो, प्लीज कुछ करो। अच्छी अच्छी अच्छी, देखो वहाँ सुनियो मारुशी मारो हीरोको के साथ है, और ये है डेमिकिन ट्रियो। वाओ, और वो है थ्री बीट द कॉमेडी ग्रुप। क्या बात है! ये तो कुछ भी नहीं, एक दिन मैं टीवी स्टेशन गया हुआ था, वहाँ पर डैड के दोस्त एक ऊंचे औहदे पर काम करते हैं। अरे याद आया, मुझे ईटो सुबासा के बर्थडे पार्टी में अंकल ने इनवाइट किया है। क्या, ईटो सुबासा? सच में? हाँ बिल्कुल, मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। अरे सुनो सुनियो, तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तुम्हारा शुक्रिया। मैं ईटो सुबासा का बहुत बड़ा फैन हूँ, क्या तुम मुझे उसका ऑटोग्राफ ला दोगे? हाँ, मेरे लिए भी। हाँ? और मुझे भी चाहिए। पार्टी में ऑटोग्राफ तो छोटे मोटे लोग ही मांगा करते हैं। मैं कोशिश जरूर करूंगा, पर तुम लोग मुझसे उम्मीद लगाकर मत बैठना। तुम लोग समझ ही गए होगे, है ना? क्या किस्मत है! डोरेमोन! डोरेमोन! हाँ?
मुझे बहुत ही अच्छी पहचान वाले डैड चाहिए। बेकार की बातें मत करो। अब चलो डोरेमोन, तुमने सुनियो की बातें नहीं सुनी। तुम्हारी बुरी आदत ये है कि तुम हमेशा दूसरों से जलते हो। सुनियो सुनियो है और तुम हो। वैसे सुनियो ने तुमसे क्या कहा नोबिता, जरा मुझे बताओ तो। सुनियो ने बताया कि आज वो ईटो सुबासा की पार्टी में जा रहा है। हाँ, ईटो सुबासा की पार्टी में? पर सुनियो तो सही समझे, मुझे सुबासा बहुत पसंद है। ये बहुत गलत है। पता है मैं सुबासा का एक बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। उस सुनियो को तो मैं, तुम जरा रुको, मैं उसे सबक सिखा कर ही रहूंगा। कॉपी मशीन, सर्च वीडियो। डोरेमोन, वैसे तुम क्या कर रहे हो? ऐसा करता हूँ, मैं सुबासा को यहाँ बुला लेता हूँ। मजाक कर रही हो? सबसे पहले मैं सर्च वीडियो की मदद से उसका पता लगाऊंगा। देखो वो रही, वो अपनी कार में टीवी स्टेशन की तरफ जा रही है। पीपल कॉपी मशीन का स्विच ऑन कर दो। अरे ये क्या डोरेमोन? असल ये एक थ्री डायमेंशनल कॉपी है। असली सुबासा तो अपनी कार में टीवी स्टेशन की तरफ जा रही है। मैं से ऑटोग्राफ लूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो बस उसकी एक कॉपी है। मैं बोर हो रही हूँ मॉम, आज मेरा बर्थडे और मैं बस काम कर रही हूँ। जब असली सुबासा बोलेगी तो उसकी कॉपी भी बिल्कुल उसी की तरह बोलेगी, समझ गए? अच्छा। मैं नहीं चाहती कि मेरी बर्थडे पार्टी कैंसिल हो जाए। मतलब आज कोई बर्थडे पार्टी नहीं है, इसका मतलब? सुनियो उसके बर्थडे पार्टी के इनविटेशन के बारे में झूठ बोल रहा था। ये सुनो, चलो हम इसके साथ एक फोटो खींचते हैं। बढ़िया आइडिया है। रेडी, हम तैयार हैं। से चीज। हे, तुम उसके बहुत करीब हो, जरा दूर हटो, दूर हटो। अरे बेटी क्या हुआ तुम्हें, तुम अचानक गिर कैसे गई? किसी ने मुझे धक्का दे दिया मॉम। तुमने ऐसा क्यों किया डोरेमोन? मुझे माफ कर दो। वो अपनी कार से उतर गई। वो अब टीवी स्टेशन पहुंच गई। वो बहुत जल्दी में है, वो जरूर काम में लेट हो गई है। गुड मॉर्निंग, सॉरी मैं देर से आई हूँ, मैं ट्रैफिक में फंस गई थी। मैं बस कपड़े बदल कर आती हूँ। अच्छा हा? नहीं मत देखो, हटो। जीने का सही ढंग सीखे हम इसके साथ। मुझे उसके गाने बहुत पसंद हैं। सारे जिसे माने जाने पहचाने वो है सुबासा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैं कितना खुशकिस्मत हूँ जो अपने कमरे में उसे गाते हुए सुन पा रहा हूँ। अच्छा अब मैं चलती हूँ। वो बड़ी जल्दी में है, उसे कहीं और भी काम पर जाना होगा। इतना काम? अरे ये तो सुबासा है। वाओ क्या बात है, ये तो तुम्हारा कमरा है ना? तुमने ये फोटोज कब खींचे? वो कुछ देर पहले यहाँ आई हुई थी। अब मुझे लौटा दो। हाँ? पर ये कैसे हो सकता है, मुझे तो लगा था कि आज उसकी बर्थडे पार्टी है। उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, सुबासा को आज टीवी फिल्म और मैगजीन्स के लिए शूटिंग करनी है। वो अपने ही बर्थडे पर नहीं जा सकती, उसके पास अपने ही बर्थडे के लिए टाइम नहीं है। मतलब सुनियो हमसे झूठ बोल रहा था? इसलिए उसके जैसे बड़े बड़े स्टार्स मेरे घर आराम करने के लिए आते हैं। हाँ? याद आया, शायद कुछ देर में टवाराना टोंचैन भी यहाँ आने वाला है। अब मुझे यहाँ से जाना होगा, बाय। वाह बहुत मजा आया, उन्होंने मेरी बात मान ली। रुको नोबिता। क्या बात है शिजुका, क्या हुआ? मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए। कैसी मदद? तुम्हें पता है मैं टोंचैन की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। अगर तुम बुरा ना मानो तो प्लीज, क्या तुम मुझे उससे मिला दोगे? देखो शिजुका, वो मेरे घर आ रहा है, पर तुम ये किसी को बताना मत, वरना उसके सारे फैंस यहाँ आ जाएंगे। तो क्या मैं, मतलब मैं नहीं? अरे नहीं, रोना बंद करो। ठीक है मैं उससे बात करूँगा। अब तो तुम खुश हो? क्या सचमुच? तुम यहीं पर रुको,
ठीक है शिजुका, मैं अभी आया। ओके। क्या? बिल्कुल नहीं, वो जान जाएगी कि वो ट्रॉन चैन का कॉपी है। पर तुम कुछ तो करो। चलो पहले पता लगाते हैं कि वो कहाँ है। वो इस वक्त सीहू स्टूडियोज में है। वो अपनी शूटिंग शुरू होने का इंतजार कर रहा है। सचमुच मैं उससे मिल सकती हूँ? हाँ, पर वो बहुत थका हुआ है, इसलिए उससे बात मत करना और उसे छूना भी मत। अच्छा। वाओ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मुझे उसको देखकर कितनी खुशी हो रही है। क्या? हाँ? मेरा शॉट तैयार है। वो क्या कर रहा है? मेरे ख्याल से वो शायद नींद में बोल रहा होगा। शिजुका, शायद आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है? मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मैंने असल में टॉन चैन को देख लिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नोबिता। बाय, फिर मिलेंगे। शिजुका बीना। हे नोबिता, अच्छा होगा कि तुम मेरी मदद करो। क्या कहा? कैनिची चीबा? जी हाँ, एक्शन हीरो कैनिची चीबा से मिलने की जिद कर रहा है। प्लीज डोरेमोन, मेरी मदद करो। चलो देखते हैं। लगता है वो इस वक्त शूटिंग कर रहा है। मैं उसका फैन हूँ, प्लीज मुझे सिखाओ कि फाइट कैसे जीतते हैं। जी हाँ, मैंने हा? बात करने के लिए मना किया था ना। ये लो मेरा अरे केनिची चीबा कहाँ गया? वो घर चला गया। अच्छा, पर मुझे अपने हीरो से प्राइवेट फाइटिंग लेसन्स मिले, इससे मुझे जरूर मदद मिलेगी। अब देखे कि मुझे किससे लड़ना चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने कितना सीख लिया है। मैं अब अकेला 10 लोगों पर भारी पड़ूंगा। एटो सुबासा की बर्थडे पार्टी तब बहुत ही मजेदार थी। हाँ? वहाँ ढेर सारे सुपरस्टार्स आए थे, जैसे टवारानो कॉनचैन और केनिची चीबा। ओ, केनिची चीबा भी था? क्या? मुझे कोई बचाओ। आज मैं तुम्हें